सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पेज नंबर 12, 20, 20, पेज नंबर 20, मैनेजमेंट थॉट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें नियो क्लासिकल थियरी और मॉडर्न मैनेजमेंट, ये दो दो या तो तीन मार्क क्या सकते, बराबर। और फेवल के प्रिंसिपल में से कोई एक, बार बार बोलता हूं कि इसका वेटेज कम है, 6 मार्क्स से जोड़, बट स्टिल स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैनेजमेंट थॉट्स, आउटकम ऑफ रिसर्च इज स्टडीज एंड रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। एवरी थॉट रिप्रेजेंटेड यूनिक ऑब्जर्वेशन, यानी मैं अगर कोई अपना समझो कि थिंकिंग किसी को दिखा रहा हूँ, कोई समझा रहा हूँ, तो मैं अपना थिंकिंग किसके बेस के ऊपर करूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर होगा ना। तो जिसने भी ये थॉट्स बनाई, उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा और उस ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर उन्होंने थॉट्स को डेवलप किया। तो बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज है, उनके सेपरेट ओपिनियंस, इसमें से काफी सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस डेवलप हो सकती है। इसको अपने थॉट्स या तो अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, ये 19th सेंचुरी के एंड तक ये प्रेजेंट है। इसको क्लासिकल थियरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, या तो टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इसको अपने क्लासिकल थियरी बोला। मेन प्रमोटर्स ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी आर फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट एंड हेनरी फेयोल, ये तुम्हारे मेन। टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लासिकल थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट अपने टेलर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी नहीं सीख, क्योंकि नेक्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे नीचे लिखा ही है फ्रेडरिक टेलर के बारे में। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है और इसके थॉट्स आज भी प्रेजेंट है। अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय टाइम एंड मोशन स्टडी। यू कैन सी पेज नंबर 23 के ऊपर टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में पैराग्राफ्स है। पहले ने ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते, बट नाउ इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स वी आर यूजिंग scientific methods based on time study, motion study and fatigue study. Main contribution यहाँ किस में आता है, ध्यान देना, एक मार्क का क्वेश्चन। एक तो स्पेशलाइजेशन के ऊपर, मतलब those who are the specialists in their work are given the work as per their qualification, पहली बात। दूसरी बात, progressive wage system, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पगार मिलेगा। देन आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शेयर करते हैं एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, स्टैंडर्ड बनाना है पहले, उस स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर टास्क यानी काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ही सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रेजेंटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसने क्या किया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया। He decided levels of different tasks in business unit and tried to decide limits of tasks. उसने क्या किया, टास्क के लिमिट को डिसाइड किया। To perform managerial duty at different levels, he also provided universal principles. कौन से principles लिखे, universal, that means principles of management को अपने guidelines की तरह से use करेंगे। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, मैक्स वेबर का भी, तो तीन याद रखने हैं, पहला फ्रेडरिक टेलर, दूसरा हेनरी फेयोल और तीसरा मैक्स वेबर। अब 19 सेंचुरी के एंड तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फॉर्मेट और साइज ऑफ बिजनेस के अंदर काफी सारे चेंजेस किए थे। इसके कारण हुआ क्या कि क्लासिकल थियरी की जो लिमिटेशंस थी वो सामने आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल थियरी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस देती है, मतलब एम्प्लॉइज आर इंटेंडेड टू वर्क मोर टू अर्न मोर, पैसा ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करेंगे, तो एम्प्लॉय के लिए फाइनेंस सबसे सुप्रीम हो गया। दूसरी बात, इन्होंने ह्यूमन अप्रोच को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था,
मतलब इन्होंने मैन को मशीन बना दिया, इंसान ज्यादा काम करेगा ज्यादा पगार मिलेगा, ऐसा अगर उसको लालच दी जाए तो ही स्टार्ट्स वर्किंग मोर एंड मोर, तो ये भी हुआ। एंड फाइनली इनफॉर्मल रिलेशंस, कैसे रिलेशंस मेंटेन किए, इनफॉर्मल, दैट मींस ये रिलेशंस जो है ना वो किसी ऑथोरिटी बेस के ऊपर नहीं, ऑथोरिटी बेस के ऊपर नहीं थे, वो कैसे थे, सिर्फ रिलेशन के बेस के ऊपर, यानी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, आई मीन टू से, यानी इनफॉर्मल रिलेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज नियो क्लासिकल थियोरी। क्लासिकल थियोरी के लिमिटेशन जब सामने आए तो इन्होंने उसी क्लासिकल थियोरी के अंदर कुछ चेंजेस के साथ में नई थियोरी अपने सामने रखी, प्रेजेंट की, दैट इज नोन एज नियो क्लासिकल थियोरी। नियो मतलब न्यू, 19th सेंचुरी के बाद यानी आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूनिट या तो इंडस्ट्री के फॉर्मेट चेंज हो चुके, राइट, एंड हमको नए तरह के मैनेजमेंट की जरूरत। इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मेयो क्या जो बोथोन एक्सपेरिमेंट है ना, इज ए नेम ऑफ सिटी, इस सिटी का नाम है, वहां पे एक इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या किया था, अलग अलग इंडस्ट्री में 1000 और आई थिंक 10,000 वर्कर्स का सर्वे किया था, उनको रिसेस कब देनी चाहिए, लाइटिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, अदर फैसिलिटीज कौन से मिलनी चाहिए, ये सबको सर्च करने के बाद बिहेवियर देखा गया। सो दैट्स व्हाई नियो क्लासिकल थियरी इज बेस्ड अपॉन बिहेवियर, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपने बिहेवियर। सो बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट, एडिशंस वर मेड टू थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी लाइक, देखो इसके बाद में कौन कौन सी एडिशंस हुए, पहली बात तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी जहाँ पे ऑथोरिटी डिफाइंड होती है, लेकिन जहाँ पे ऑथोरिटी डिफाइंड ना हो और सिर्फ रिलेशन के बेस के ऊपर काम होता हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया, ह्यूमन रिलेशंस, उसके बाद में इंस्पिरेशन यानी जिसको अपने मोटिवेशन बोले उसको ध्यान दी, उसके ऊपर ध्यान दिया गया, ये सब थॉट्स क्लासिकल थियरी के ऊपर थी। एल्टन मेयो, हर्ज़बर्ग, रेंसिस, लीकर्ट, क्रिस आर्गिरिस, मैकग्रेगर एंड मास्लो आर मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दीज थॉट्स। इन ब्रांचेस ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर थॉट्स, सोशल मैकेनिज्म थॉट एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट आर मेन। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज एज बिलो, देखो दूसरी जो इसके बाद में दी गई है वो आपको बताई दिया है, सी हियर थॉट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड, ये जो है ना ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड, इसमें पहली तो डेफिनेशन है ये अपने मैनेजमेंट की जो सीखी थी सबसे पहली कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, तो थ्रू या तो फ्रॉम अदर्स है, इसका मतलब दूसरे के पास से काम निकलवाना है, दैट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे प्रोफेसर उर्विक ने यह बोला था, यू मैनेज योर मैन एंड योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली ये वर्ड ऐसे हैं कि माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग, माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, ये उन्होंने पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देने के टाइम पे किया, बराबर ना। लाइकवाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन इज हैविंग एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन यूनिट, तो मैनेजमेंट इज डन बाय अ पर्सन, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की स्टडी भी कैसे होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन की स्टडी होनी चाहिए, इंटर ह्यूमन रिलेशन यानी दो ह्यूमन बींग्स के बीच के रिलेशन की स्टडी, मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ह्यूमन रिलेशंस, हेंस बिहेवियर रिलेटेड थॉट एम्फेसाइज ऑन, किस पे ध्यान दिया गया, पहले तो जॉब सेटिस्फेक्शन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू आर सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर जॉब बट योर फ्रेंड इज नॉट बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट साइकोलॉजी, एंड द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। अब एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे की जाए,
So every worker has potential, but to use that potential, you require to motivate them. Now motivation differs from person to person. So everyone has to be individually managed. उसको individually manage करना पड़ेगा. और आप अगर उसको individually manage करते हो, उसकी psychology को समझ के उसको वही चीज provide करते हो, तो उसको motivate करे, तो he will work more. तो efficiency increase करना and concept like interhuman relation आया. देखो motivation, leadership, a person needs a leader, and information communication process, information pass on कैसे होगी, disposal of industrial disputes, यानी in case management और workers के बीच में dispute होते हैं तो उसको industrial dispute बोला जाता है. वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे. तो इसको डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब आप उसको कैसे रिमूव करोगे बिजनेस में से. ये सब बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में आता है. सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, ये पूरा का पूरा अप्रोच कैसा है, साइकोलॉजिकल. इट सीम्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर हैज बीन निग्लेक्टेड. यहाँ पे हमने किस बात को निग्लेक्ट किया, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को निग्लेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया. मतलब हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर देखा करेंगे, ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करने की बात करेंगे, बट व्हाट अबाउट अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी की क्या. इंसान बिजनेस क्यों करता है, टू अर्न समथिंग मोर. अब इसी के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी की बातें करा करोगे ह्यूमन बिहेवियर की, तो कमाओगे कब. दैट्स व्हाई सम राइटर्स लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. मतलब प्रोडक्टिविटी मस्ट बी मेंटेन, which is the main limitation of these approach. ये एक मार्क का क्वेश्चन, what is the main limitation of behavior related approach. तो क्या आएगा कि यहाँ पे human relation को at the cost of productivity maintain करने की बात की गई है, that is the main limitation of these approach. Now the last one is the thought of modern management. A change was occurred in the format of industry and business unit after 1960. As a result, a need of special approach of management was arisen. Yani ab pehle kya tha, 1960 ke pehle management sirf general management karta tha, but now every field, every area of management is developed, and jab har area develop hua to iske liye ek specialist ki zarurat padegi. Now the experts are to be appointed. So for that reason humne professional class or of managers ko emerge hote hue dekha. यानी ऐसा क्लास ऑफ पीपल कि जो क्या करता है, सिर्फ मैनेजमेंट करता है. वेल एडवोकेसी इन दीज थॉट्स ऑफ फॉर साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर. किसके बारे में सोचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेसी मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसको अपने एडवोकेसी बोलते हैं. इन दीज थॉट फॉर साइकोलॉजी, फिर हमने सोशल स्टडीज, यानी वेन अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट डज मैनेजमेंट तो वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी, देन आफ्टर सोसाइटी यानी सोशल स्टडीज, उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स, पास्ट डेटा, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड फाइनली कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कौन ऑर्डोनल, एक नाम नहीं है दो नाम. पहला जो लिखा है वो एरोन कुंज, और ऑर्डोनल का फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है. जॉर्ज आर डेरी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट. फिर मोर ओवर पीटर एफ ड्रकर, विलियम ऑची एंड सी के प्रहलाद, इन्होंने भी इसके लिए काम किया है. यानी मतलब आपको ये एमसीक्यू में आए तो नाम के साथ में आएगा कि कौन सा अप्रोच किसने डेवलप किया. सो दिस वाज द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें क्लासिकल में क्या देखा, क्लासिकल में हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के साइंटिफिक मेथड आए, बराबर. सिलेक्शन से लेके वर्कर के रिटायरमेंट तक हर जगह पे क्लासिकल, सो क्लासिकल थिंकिंग के अंदर हमने पुराने अप्रोच को जाता हुआ देखा. इसमें तीन चीजों, तीन लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, एक फ्रेडरिक टेलर, दूसरा हेनरी फेयोल और तीसरा है मैक्स वेबर, राइट. और 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके कारण बिजनेस के फॉर्मेट चेंज हुए, तब बाद में बात पता चली कि क्लासिकल थियरी सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेशन को इम्पोर्टेंस देती है, ह्यूमन रिलेशंस को निग्लेक्ट करती है, सॉरी ह्यूमन अप्रोच को एंड इनफॉर्मल रिलेशन को भी निग्लेक्ट करती है. फिर नियो क्लासिकल उसी में सुधार के किया गया, इसमें सबसे बड़ा नाम है एल्डन मायो, जिसने हॉटन एक्सपेरिमेंट किया था. और ये थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल वो ह्यूमन बिहेवियर या तो ग्रुप बिहेवियर
उसके ऊपर एम्फेसाइज कर दिया। और इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट ये की गई थी, बिहेवियर रिलेटेड अप्रोच की बात करें तो इसमें पहले तो उर्विक की डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रोफेसर उर्विक ने क्या बोला, यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। लाइकवाइज यहाँ पे ये भी देखा गया कि ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया, पर ये पूरा अप्रोच कैसा है साइकोलॉजी, तो इसमें साइकोलॉजी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और प्रोडक्टिविटी को नहीं। तो इसीलिए लॉजिकली ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देके अगर अपने प्रोडक्टिविटी को निग्लेक्ट करेंगे तो यह सबसे बड़ा लिमिटेशन हो जाएगा इस थियरी का। मॉडर्न मैनेजमेंट 1960 के बाद डेवलप हुआ, इसमें प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स डेवलप हुआ और इसमें आप स्टडीज करने लगे मैनेजमेंट के लिए, साइकोलॉजी की, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ अपने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स, F.W. टेलर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है क्लासिकल थॉट के अंदर। इन द स्टार्टिंग फेज ही जॉइंड एज अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री। अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला कारीगर हो ना, उसको अपने अप्रेंटिस को सिखाओ, एक फैक्ट्री में उसको ज्वाइन किया एंड आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वेरियस कंपनीज को मैनेजर बना था बाद में बेथलेम स्टील कंपनी। तो इसी वक्त उसने सबसे पहले प्रेजेंट किए थे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को, इसीलिए उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वो कौन? हेनरी फेवर। और फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन एनी बिजनेस यूनिट नॉर्मली दो क्लासेस आपके सामने आते, एक है वर्कर्स, दूसरे ऑनर्स। ऑनर्स आर इंटरेस्टेड, ऑनर यानी मैनेजर समझो, दे आर इंटरेस्टेड इन मोर प्रॉफिट एंड मोर वेल्थ, बेस्ट प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन वेल्थ, बट एम्प्लॉइज को हायर वेजेस और जॉब सेटिस्फेक्शन। अब दोनों के जो गोल्स है ना वो अलग अलग है। अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा चाहता हूँ तो मैं सोचूंगा वर्कर्स ज्यादा काम करें और पगार उनको बढ़ा के ना दूँ, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर वर्कर चाहते हैं कि ज्यादा पगार मिले और काम कम करना, तो दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं, इन दोनों को मिलाना है, इसीलिए कन्फ्लिक्ट होता है। तो इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड यानी पुरानी मेथड को चैलेंज किया और उसकी जगह पे नई मेथड डेवलप। जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसमें रूल ऑफ थंब होता था, मतलब जो बोला वो करो, ट्रेडिशनल मेथड याद रखना, वेर वर्कर्स वर आस्क्ड टू डू एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज रूल ऑफ थंब। 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज रूल ऑफ थंब? देयर वाज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात सुनने वाला कोई नहीं था, और ऑनर्स डोमिनेंस मतलब कंट्रोल रखते थे वर्कर्स को। दिस टाइम टेलर ने नया कंसेप्ट प्रेजेंट किया, इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब ही फोकस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ मीनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवोल्यूशन। पहली बात समझो क्या लिखा है, मेंटल रिवोल्यूशन, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, नीड टू चेंज योर बिहेवियर, यू नीड टू चेंज योर साइकोलॉजी, राइट? एंड ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉइज इन फैक्ट्री, इट्स अ टोटली मेंटल रिवोल्यूशन टुवार्ड्स वर्कर्स। याद रखो मेंटल रिवोल्यूशन पहले वर्कर्स का, वर्कर्स का एटीट्यूड चेंज करना है और उसमें उनके काम की तरफ यानी टास्क की तरफ, उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, के साथ में काम करने वाले यानी कलीग्स की तरफ, एंड फाइनली ऑनर्स की तरफ। याद रखो ये चारों चार वर्कर के लिए कुछ चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वर्कर को ही पहले चेंज कर, ऑनर्स के लिए लास्ट में लिखा गया है कि ऑनर्स को समझना चाहिए कि वर्कर्स ह्यूमन बीइंग, राइट? सो डेफिनेशन की बात करें तो नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, पहले सबसे पहले क्या देखना है, देखना ये है कि आप पहले चेक करो कि आप अपने वर्कर्स के पास से क्या क्या काम लेना चाहते हो। तो नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे अचीव इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी वो इसके बाद में जो काम करेंगे वो सबसे अच्छी तरह से और सबसे सस्ती तरह से करेंगे विदाउट एनी लूपहोल्स। सिंस फ्रेडरिक टेलर हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर, ही फाउंड दैट स्टील वर्कर्स विल नॉट गेट हायर वेजेस एंड मोटिवेटेड वेज रेट, दे विल नॉट वर्क एफिशिएंट विदाउट गेटिंग वर्क डन इन द ट्रेडिशनल वे टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू हैव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट
As managers do not lower wage rate and employees may not work, he suggested adopting scientific approach. मतलब वो खुद इंजीनियर था और उसने ये देखा कि जो वर्कर्स है वो काम करते हैं लेकिन उसको हायर और मोटिवेटेड वेज रेट नहीं मिलता. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेटेड वेज? मतलब मैंने आगे बोला था आपको प्रोग्रेसिव बेसिस पर ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा मिले, दैट इज प्रोग्रेसिव या तो मोटिवेटेड. तो फिर ये क्या करेंगे, फिर बराबर काम नहीं करेंगे. अगर मैं ज्यादा काम करूँ तो भी इतनी सैलरी मिलने वाली हो तो मैं ज्यादा काम क्यों करूँ? सिंपल. Without getting work done in the traditional way to get higher productivity, scientific methods should be used to have lower production costs. हम scientific methods को use करेंगे, लेकिन किस लिए? समझ लेना. पहले अपने production की cost को decline कर, फिर workers को ज़्यादा salary दे. समझे? Workers को ज़्यादा salary देने के लिए आपको cost नहीं बढ़ानी है, यानी मतलब price नहीं बढ़ानी है केवल. But along with that, price को बढ़ाए बिना आप क्या करना चाहते हो? यू वॉन्ट योर वर्कर्स टू अर्न मोर. तो इसके लिए आप सबसे पहले बाकी सारे फैक्टर्स जो भी है ना उसको कंट्रोल में लाओ, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में आएगा. एज मैनेजर डू नॉट लोअर, सॉरी, विदाउट गेटिंग वर्क डन इन द ट्रेडिशनल वे टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज टू हैव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. एंड एज मैनेजर्स डू नॉट लोअर वेज रेट and employees may not work, he suggested adopting scientific approach. अब आप देखो, cost reduce करने के दो तरीके, बाकी सब में खर्चा कम करो या workers को कम salary दो. अब workers को अगर कम salary देंगे नहीं तो automatically वो काम करना बंद कर दो या तो बहुत कम काम करके जाएंगे, तो ये तो solution नहीं हुआ. तो best way क्या है, बाकी जितने भी factors है ना उनको control में लाओ. तो फिर scientific method के अंदर तीन चीजें उसने रिवोल्यूशनरी थॉट की तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह प्रेजेंट की. और वो सबसे पहले हर वर्कर को उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना चाहिए. पहला क्या, हर वर्कर को उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के मुताबिक काम देना चाहिए. दूसरी बात, हम उस वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करो अपनी अपनी कैटेगरी, अपनी अपनी कैटेगरी में मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करो. और थर्ड, अगर आप ज्यादा अच्छा काम करते या आप रैपिडली काम खत्म कर दे तो आपको 30% से लेके 100% तक, 30% से लेके 100% जितना बोनस यानी मोर वेजेस दिए जाएंगे. आप नॉर्मल वेजेस तो कमाओगे राइट, अगर कम काम करते हो तो भी नॉर्मल तो मिलेगा, लेकिन अगर ज्यादा किया तो 30% से लेके 100% जितना आपको. Now, principles of scientific method. This one is the most important part. तो हमने ये ऊपर वाले में क्या देखा, देखो ऊपर में ठीक देखा, एक ही definition. अगर scientific management पूछा जाए तो यहाँ पे टेलर ने एक ही बात कि knowing exactly what you want you meant to do and seeing that they do it the best and cheapest. ये आपका सिंगल लाइन के अंदर definition. फिर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी तीन चीजें उसने इंट्रोड्यूस की, तो पहली बात को पहले वर्कर्स को उनके जो काम सौंपा जाए वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर परसेंट जाए. दूसरा, ये चेक किया जाए कि वो बेस्ट काम करके देते हैं कि उसका समझाना. और तीसरा, 30% से लेके 100% सिंपल है. नाउ नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फ्रेडरिक टेलर्स साइंटिफिक अप्रोच वॉज अ रिवोल्यूशनरी एक्ट. He was far from traditional method so that workers and owners may work with harmony. Harmony मतलब unity, साथ में मिलके काम करें. इसीलिए इसने जो principles present किए उसमें सबसे पहली बात scientific method. इसका मतलब कि पहली बात तो best work क्या है उसको define करो और worker की ability क्या है उसको define करो right. फिर दूसरा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. पहले प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों एक ही इंसान करता था. नाउ प्लानिंग वो हमने फोरमैन के लिए छोड़ दिया और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके बाद में हमने किसके लिए, वर्कर्स के लिए छोड़ दिया.
सबसे पहले एक्सपर्ट प्लानिंग करेंगे, यानी फोरमैन जो है वो प्लान करेगा, एंड फाइनली जो वर्कर्स है उस प्लान को फॉलो करेंगे। दोनों अलग कर दिया। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है जॉब एनालिसिस। देखो एक जॉब एनालिसिस है बराबर, और ये जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पहले तो ये देखें कि बेस्ट वे कौन सा है। कोई काम मैं देख रहा हूँ, जॉब एनालिसिस मतलब अगर समझो कि मुझे एक पंखा बनाना है या एक बेंच बनानी है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडिली विथ लोअर कॉस्ट। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी। जो नेक्स्ट पेज पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, आप टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी और फैटिक स्टडी। दूसरी बात, स्पीडिली भी काम हो सकता है, कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है, लेकिन ये सब के लिए आपको ये तीन स्टडीज करनी पड़ेगी। देन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, एवरीथिंग मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब काम का स्टैंडर्ड, इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड, टाइम का स्टैंडर्ड, जो रिसोर्सेज आप लाते हो उसका स्टैंडर्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द रिसोर्सेज, 24/7 मिलनी चाहिए इफ यू वांट टू डू वर्क 24/7। देन इसी तरह से अगर समझो कि आप वर्कर की बात करो, तो वर्कर एफिशिएंट होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड वर्कर्स का बनता है। इसी तरह से इक्विपमेंट की बात करो, जितनी इक्विपमेंट्स आपके बिजनेस के अंदर यूज होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसी रीजनेबल क्वालिटी होनी चाहिए कि जो बार बार खराब ना हो, बार बार उसको रिप्लेस करने की जरूरत ना है। सो एवरीवेयर देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन। देन आफ्टर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डन अप्रोप्रिएटली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, टू पर्सन आर इन फ्रंट ऑफ मी, इफ वन इज हेल्दी, एक मोटा सा इंसान सामने खड़ा है, और दूसरा फिजिकली इतना मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो मैं प्रिज्यूम नहीं कर लूंगा कि जो मोटा है वही ज्यादा काम करेगा। आई नीड टू साइंटिफिकली सिलेक्ट देम, मतलब मैं पूरा एक प्रोसेस करूंगा जिसमें मैं तय करूंगा बाद में, प्रोसेस के बाद, टेस्ट लेने के बाद, कि इसमें से कौन ज्यादा काबिल है। सिर्फ प्रिजम्पशन नहीं चलेंगे, एजम्पशन नहीं चलेंगे। तो एम्प्लॉय की एजुकेशन, स्किल, गट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, ये सब देखा जाता है। फॉर ओवर एन एम्प्लॉय शुड बी असाइन सच वर्क दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल। There should be use of training to increase efficiency of workers from time to time. Also, different kind of scientific tests should be used to know their work interest. फिर हम काम देते तो है वर्कर को, लेकिन if he is not interested in doing that work, then what will happen? Simply, वो काम कर ही नहीं पाएगा बराबर से। So that's why हम पहले तो क्या करेंगे, उसको काम के लिए पहले तो चेक करेंगे वो इंसान को काम में इंटरेस्ट है कि नहीं। Then comes financial motivation. Skilled workers should be given financial and other kind of motivations. Different kind of motivated wage schemes have been recommended for that. This wage system must be adopted on the basis of individual productivity of employee. Yani aap apne worker ki productivity dekhoge aur uske baad decide karoge kisko kitna paisa milna chahiye. Everyone should not be treated equally if they are working differently. Their wage rate should be decided not as per speculation. Speculation नहीं कि इतना काम किया होगा, but scientific study के बाद। Then after economical, during the implementation of scientific management, scientific and technical pays are not only considered, but emphasis on low production cost is also there. हम ध्यान किसके ऊपर दे रहे हैं, production की cost को कम करने के ऊपर। इसलिए हर चीज को produce करने का एक cost का estimation होता है। We'll estimate what will be the cost to produce a particular unit, and then after हम उतने cost के अंदर produce है उसके बारे में cost control करेंगे, cost को बढ़ने नहीं देंगे। अगर deviations होते हैं, मतलब differences आते हैं, तुमने सोचा कि कोई चीज 50 rupees में बननी चाहिए, but अगर वो 51 rupees में बन रही है, तो you need to check deviation क्यों आ रहा है, उसको check करना पड़ेगा और उसको correct करना। फिर आता controlling 7th chapter, इसमें आप देखो कि मैंने जो बोला ना डेविएशंस वगैरह। देन कम्स मेंटल रिवॉल्यूशन,
अब मेंटल इवोल्यूशन दोनों के अंदर होना चाहिए, ऑनर्स को भी और वर्कर्स को भी, बिकॉज पहले मेंटल स्ट्रेस रहता था कि ऑनर्स ये काम देंगे वो काम देंगे, इसलिए वर्कर्स काफी स्ट्रेस में रहते थे। दूसरी बात, ओवर बर्डन थे, पगार इतना ज्यादा अच्छा मिलता नहीं था, तो इसीलिए ऑनर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में मेंटालिटी का मैच होना जरूरी है। इसलिए इससे होगा क्या फायदा कि जो गोल्स के अचीवमेंट है ना वो बहुत ही आसान, राइट। तो 8 चीजें हमने देखी। द फर्स्ट वाज साइंटिफिक मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दो, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग वाज हैंडेड ओवर टू एक्सपर्ट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्कर्स करेंगे। फिर जॉब एनालिसिस, मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा काम कैसे, कम कॉस्ट में ज्यादा काम कैसे हो पाएगा वो देखना, इसके लिए 3 स्टडी बताई गई, टाइम स्टडी, पोर्शन स्टडी एंड फैटिक स्टडी। देन आफ्टर हर चीज का स्टैंडर्ड बनाना, इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क एंड रिसोर्सेस का। फिर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स जैसे ही आते हैं उसको प्रॉपर एजुकेशन वाला, स्टडी वाला, स्किल वाला वर्कर चाहिए। स्किल अगर कम हो तो ट्रेन करके इसकी स्किल को बढ़ाना है। देन कम्स फाइनेंशियल मोटिवेशन, तो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल स्कीम्स हम उसको अप्लाई करके देंगे वर्कर्स के लिए। इसमें पे सिस्टम अडॉप्ट करनी है आपको। देयर वेज रेट शुड बी डिसाइडेड स्पेकुलेशन के बेस पे नहीं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के बेस के ऊपर। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। और मेंटल इवोल्यूशन, तो मतलब ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों के गोल्स सेम होना जरूरी है।